आए थे यहाँ पे दूध का ठेका खुला हुआ है। अच्छा लगा कि बुरा लगा? नहीं, अच्छा तो लग रहा है। दूध का दूध पीते दूध पिया करो ना। पंजाब सरकार को बोलो दूध खोले। पंजाब सरकार को तो बोल ही रहे हैं ठेका मतलब बंद कर दे, दूध का ठेका खुला दे, इससे बढ़िया अच्छी है। राशन देखा देखिए, सरकार राशन देवे लोगों के घर च, दुध खुलावे, क्योंकि पंजाब नु दुध दही करके जाने जाता सी। पर मैं हैरान हां वी कहिंदे शराब चाहिए है, दुध नहीं चाहिए, लोगों के काम कार बंद पे है। असं एक विरोध रखे भी दुध का ठेका रोज़ सेवा करते हैं, तो असं बेनती करांगे पंजाब सरकार को ठेके ना खोलो, दुध खोलो, राशन पहुँचाओ घर। अज धर्म करम का काम है, मंदिर गुरुद्वारे बंद पे, तुम ठेके खोलन की गल करते। इतों पता लगता भी चार हफ्ते की गल तुम्हारी बेईमानी सी, यह तुम्हारी जय नहीं सी गुरु साहब की। हल करो, हाथ जोड़ के ठेके नहीं खुलने चाहिए। बंदा दारू पींदा वा, खराबी होंगी आ, चार पांच सौ दारू पींदा वा, गलत गल है। उ बंदा घर राशन दवे तो टब्बर खाएगा। लगा जो दुध का ठेका लगा देख के दुध सेवा वा जी, ये हाँ जी हाँ जी, ये सेवा वा, ठेके नहीं खोलने चाहिए, ठेके नहीं खोलने चाहिए, ये गलत गल है। बस यही बेनती है पंजाब सरकार। शराब के ठेके खोलन की परमिशन पूरे पंजाब दे दित्ती गई है, और शराब के ठेकों के बाहर लड़ियां लगनिया वो नहीं लगे, लड़िया लगिया जरूर हुई पर किसी दुखी शराब के ठेके के बाद ही तब्दील है पंजाब शहर की। और शराब के ठेका बंद पिया है, पर उसके बाद यूथ अकाली दल वालों दुध का ठेका लगा दिता जा रहा, लोगों को शराब ना पिलाते हुए दुध पिलाया जा रहा है। दुध का ठेका लगा दिता जा रहा, दुध का ठेका लगाया जा रहा है। यूथ अकाली दल के जो जिला प्रधान है गुरजीत सिंह गोसा, उन्होंने पक्षों एक दुध का ठेका लगाया गया। उन्होंने गल कर रहे सारी दुनिया के काम बंद पे है, तो पंजाब सरकार कहती काम के सोर्स है नहीं, सानू शराब च कमाई होंगी सरकार ता चलो कि मैं तो हाथ जोड़दा उन्होंने अगे, क्योंकि तुम ये चीज देखो भी सारे लोग अच्छे घर बैठे, मंदिर बंद, गुरुद्वारे बंद, मस्जिदा बंद, चर्चा बंद, तो लोग घर बैठे परमात्मा का नाम जप रहे, सबर कर रहे हैं, पर यह उल्ट काम कर रहे, कमाई की गल कर रहे। लोग साढ़े काम बंद नहीं, असं घर नहीं बैठे हुए, जानवरों भी पता नशा नहीं करना, तुम तो नशा कराने की गल कर रहे हो। कितने तुम एक पास कहा भी चार हफ्ते के नशा खत्म कर देंगे, सौ खाधी सी दसम पातशाह के चरणों की,
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਥਰੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚ ਫਰਕ ਆ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਤੜਪਦੇ ਪਏ ਆ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਚ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ 47ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਚਾਹ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭਜੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਏ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਮਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਓ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਾਓ ਦਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ 90% ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਗੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਲਬ ਜਗੂਗੀ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾਰੂ ਦੁਕਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਚਾਹੇ ਖੁਲਾ ਲੈਣੇ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ दारू की दुकान चाहिए हमको दो महीने हो गए नहीं किए हमने दारू और दारू नहीं खुलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे कुछ नहीं खुल रहा है दारू चाहिए दारू हम लोग को भाई क्यों भाई लोग हाँ दारू चाहिए दूध नहीं चाहिए दूध नहीं चाहिए दारू दारू नहीं चाहिए इसे हिसाब से दारू बैठते तो अभी और आते बंदे घर नहीं जाएगा पीछे हो यार पीछे हो यार पीछे करवा यार सारे पीछे हो यार पीछे हो यार चल 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 चलो पीछे हो बीपी पीछे पीछे